ये है एमआई का टीडीएस टेस्टर पेन। आज हर जगह का वाटर क्वालिटी अलग होता है और उसको नापने के लिए एक टीडीएस मशीन की ज़रूरत होती है, और एमआई टीडीएस मशीन सबसे बेस्ट है, सबसे किफ़ायती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं और देख लेते हैं पूरा वीडियो। तो चलिए कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। और ये मैंने बैंगूड से ऑर्डर किया हुआ है क्योंकि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और बैंगूड से आप इसको ऑर्डर करेंगे तो डायरेक्ट आपको 650 में मिल जाएगा, और कुछ लेट डिलीवरी होती है। खैर कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए कुछ समय बनता है वेट करना। तो ये है बॉक्स, इसका वाइट कलर में आता है। ये चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। राइट साइड में आपको ये एमआई का लोगो मिल जाएगा। जैसे कि चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो इसको छोड़ते हैं और कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। इसका बॉक्स भी खोल लेते हैं। ये सील लगी हुई है इसमें, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये निकला हमारा TDS पेन। ये यूजर मैनुअल का एक छोटा सा कार्ड मिलता है जो कि चाइनीज लैंग्वेज में है, वो भी समझ में आएगा नहीं, तो इसको भी हम रखते हैं साइड। इसको निकालते हैं बाहर। ये होल दिया हुआ है बैक में, तो इसको हम प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा पेन हमारे हाथ में आ जाएगा। ये देखिए, ये बॉक्स में मिल जाता हमें यूजर मैनुअल, एक बॉक्स और एक TDS पेन। इसका कैप निकालते हैं, दिखा देता हूँ इसका ओवरव्यू। ये हम जो भी कटआउट बना हुआ है इतना पानी में रखेंगे और ये हमें TDS का लेवल बता देगा। ये प्लग है जो कि वाटर लेवल में अंदर जाएगा और ये हमें TDS का लेवल बताएगा। ये MI लोगो बना हुआ है ऊपर साइड में। ये TDS का बटन और ये डिस्प्ले, ये TDS बटन को आप ज़रा सा प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और डिस्प्ले ज़रा सा प्रेस करने पे ऑफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बटन है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी सॉलिड है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, एक पेन टाइप में डिज़ाइन है। ऊपर का कैप खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें दो बैटरी लगाने की जगह मिल जाती है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं ये बैटरीज, तो आप ख़त्म होने पे इसको ले सकते हैं। ये MI.com का लोगो बना हुआ है इसमें। अब हम दिखा देते हैं इसका वाटर लेवल नाप कर, तो लेफ्ट साइड RO वाटर है और राइट साइड में मेरे टैप वाटर है। इसका डिस्प्ले ऑन करेंगे, ये देखिए 0 PPM पार्ट्स पर मिलियन में बताता है ये। इसका कैप निकाल कर हम इसे टैप वाटर में डालेंगे, और जैसे ही टैप वाटर में आप डालेंगे इसे, ये आपको कैलकुलेशन करके बता देगा 299 PPM, मतलब 299 पार्ट्स पर मिलियन इसका जो भी TDS लेवल है ये आपको बता देता है। ये टैप वाटर का लेवल है। इसको हम निकालेंगे और अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। अब हम इसको RO वाटर के गिलास में रखेंगे और इसमें देखेंगे कितना लेवल आता है। ये देखिए, तो इसमें 103 PPM, मतलब 103 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जो वाटर है हमारा पीने के लिए सेफ़ है, क्योंकि कहते हैं 30 से 200 के बीच का जो भी TDS लेवल होता है उसमें वाटर ड्रिंक करने के लिए सबसे सेफ़ होता है। तो इसको हम ऐसे नाप लेंगे और फिर उसके बाद TDS बटन से हम इसका डिस्प्ले ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि बैटरी वैसे तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है आपके एक मिनट के बाद अगर आप इसे ऑफ नहीं करते हैं तो। ऑफ़ करने के बाद इसका कैप लगा देंगे और अच्छे से रख देंगे ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहे।
बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा ये रिव्यू एंड अब अनबॉक्सिंग, और बाकी लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू वेरी मच गाइज़.